फिल्म अभिनेत्री पायल घोष और आरपीआई नेता रामदास अथावले ने सोमवार को एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप को गिरफ्तार करने की मांग की। रामदास अथावले ने कहा कि पायल ने मुंबई पुलिस पर भरोसा करके और अपनी जान की परवाह न करते हुए मामला दर्ज करवाया है, इसलिए पायल को जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। हालांकि पायल घोष को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। वहीं पायल ने कहा कि मैं मुंबई में सुरक्षित महसूस करती हूं और मैंने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करवाने के लिए मांग की है। अब मैं आपको सबको बताया है कि मैं मेरे साथ क्या हुआ है, बार बार मुझे बोलना भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैंने अपनी इज्जत दांव पे लगा के, अपना करियर दांव पे लगा के आप सबके सामने आई हूँ और ये बात बोली हूँ ताकि सिर्फ मेरे साथ जो हुआ वो तो हुआ है, लेकिन और किसी के साथ ऐसा ना हो। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर किसी के साथ भी ऐसा होता है कि डर के मैं जैसे डर गई थी, आप लोग डरो मत, सामने आओ, बोलो और इसका प्रतिवाद करो और आगे बोलो, अपना जो हक है वो जरूर लेना। थैंक टू रामदास अथावले जी जो मेरे साथ खड़े हुए हैं, आई एम सो ग्रेटफुल टू हिम। मेरे लॉयर है, हमेशा मेरे साथ रहते हैं। आज मुझे मैं जो साहस जुटा के आपके सामने बोल रही हूँ, ये साहस हर लड़की के साथ अंदर होना चाहिए। और वो साहस लेके आपके साथ कुछ भी गलत होता है उसके लिए आवाज उठाओ और सामने आओ, डर के मत बैठे रहो, मेरा एक रिक्वेस्ट है, प्लीज। पायल घोष और रामदास अथावले ने कहा कि पुलिस को अब तक अनुराग कश्यप को गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। पुलिस जल्द से जल्द अनुराग कश्यप को अरेस्ट करे। रामदास अथावले ने चेतावनी देते हुए कहा कि पुलिस ने अगर 7 दिनों के अंदर अनुराग कश्यप को गिरफ्तार नहीं किया तो आरपीआई गिरफ्तारी के लिए आंदोलन करेगी। आज मैं यहाँ पायल घोष, जिन पर अनुराग कश्यप जी ने कुछ साल पहले अत्याचार किया था और अपनी इज्जत हरे को कारी रुकी है, लेकिन अपने इज्जत का दाव लगाकर दूसरे लड़कियों को, दूसरे फिल्म एक्ट्रेस को इसी तरह का अनुभव ना है, इसीलिए उन्होंने डेयरिंग करके कंप्लेन की है। और अनुराग कश्यप ने मेरे ऊपर अत्याचार किया था, एक कबूली जवाब इन्होंने पुलिस थाने में दे दिया है। और बहुत सारी फिल्म एक्ट्रेस बोल रहे हैं कि अनुराग ठक्कर अच्छे है, उनके लिए अच्छे हो गए, लेकिन पायल घोष के लिए अच्छे नहीं है। पायल घोष पर अन्याय हुआ है और उनके ऊपर क्या हुआ है मालूम नहीं, लेकिन वो जरूर मतलब उनको फिल्म में उन्होंने काम दिया है, वो डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है, इसलिए शायद कुछ महिलाएं ऐसा बोल रहे, ठीक बात है जिनको अच्छा बोलना अच्छा बोलने दो, लेकिन पायल को जो अनुभव आया है गलत अनुभव आया है, इसीलिए उन्होंने कंप्लेंट दी है कि उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। मैं अभी अमित शाह जी को भी एक पत्र लिखने वाला हूँ और इनको पूरा प्रोटेक्शन मेरी पार्टी की तरफ से तो रहेगा ही, और जल्दी जल्दी अनुराग ठाकुर, अनुराग कश्यप को जल्दी जल्दी अरेस्ट नहीं किया जाएगा, नहीं करेगी तो जरूर मतलब रिपब्लिकन पार्टी पूरे जिले में यहाँ आंदोलन करेगी, तो इसी तरह का हमारा समर्थन करना है। अथावले ने कहा कि हमने दिशा सालियान मामले की जांच भी सीबीआई से करवाने की मांग की है। पुलिस ने उसकी लाश को देखा था, उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे, इसका मतलब है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ था। हालांकि पुलिस ने मामले पर ठीक से ध्यान नहीं दिया, हमको शक है कि सुशांत और दिशा सालियान का मामला जुड़ा हुआ है। पायल मामले में पुलिस को जल्द से जल्द जाँच करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, CEN न्यूज, मुंबई।